मैं आप आप मेरा नाम मीनू तिवारी है। कहाँ रहने वाली है? नीमसार देहात स्वामी नारदानंद आश्रम। क्या समस्या आपकी है? हमारी समस्या ये है कि हमने लॉकडाउन के चलते हमने कुछ लोगों की समस्याओं को सुना, उनके निराकरण के लिए हमने मतलब सूचना दी शासन को, तो SDM सर को मैंने सूचना दी। SDM सर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो है कि भंडारा वहाँ पर चल रहा है, वहाँ किसी भी महात्मा को कोई दिक्कत नहीं है, समाधि पर भंडारा चल रहा है महाराज जी के यहाँ। तो हमने कहा वहाँ भंडारा नहीं चल रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं आप पता तो करिए वहाँ भंडारा चल रहा है। इस पर 2-3 दिन और बीत गए, तब फिर हमने फिर सूचना सर तहसीलदार जी को दी, तो उन्होंने फिर हमको यही जवाब दिया। जवाब मिलने के बाद जब लोग यहाँ परेशान होने लगे, 22 तारीख से लॉकडाउन चालू हुआ, 18 तारीख से भंडारा बंद हो गया था। यहाँ के महात्मा कुछ गरीब परिवार ऐसे हैं जो उसी के सहारे रह रहे थे, तो ये सबकी समस्याओं को लेकर के जब इन्होंने सुनवाई नहीं करी तो मैंने इसकी सूचना ऊपर दे दी। तो वहाँ से जब सूचना यहाँ पर आई तो नायब तहसीलदार जी एक दिन पहले आए 18 अप्रैल को, तो उनको सब जानकारी हो गई थी। उसके बाद मैंने ये सूचना लेखपाल को दी, तो लेखपाल को सूचना देने के बाद ही तुरंत तहसीलदार जी ने भी बात की, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं अभी आता हूँ नारदानंद आश्रम में, देखता हूँ कौन वहाँ पर भूखा मर रहा है, वहाँ पर अभी हम देखते हैं आके। तो उसके बाद में जब वो तहसीलदार जी यहाँ पर आए, नायब तहसीलदार जी और लेखपाल सब लोग यहाँ पर आए, और कोटेदार भी 2 लोग थे, वीरेंद्र वाजपेयी और कन्हैया यादव, उनके सबके बीच में इन्होंने हमको बहुत ही गंदी तरीके से अभद्र भाषा में हमसे बात की। किसने की? तहसीलदार जी ने। क्या नाम उनका? तहसीलदार जी का नाम है चंद्रकांत त्रिपाठी। जी जी, चंद्रकांत त्रिपाठी। तो इन्होंने हमसे अभद्र भाषा में इतनी ज्यादा बात की है कि सबके बीच में इन्होंने ये नहीं सोचा कि हम कौन बोल रहे हैं। मैं हिंदू शक्ति दल की प्रदेश महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो उन्होंने मेरी बात को मतलब ये नहीं उसमें लिया है कि ये कैसे कह रहे हैं, सबकी आवाज़ को ये कैसे उठा रहे हैं। हम हमेशा गरीब जनता की और किसी की भी समस्या होती है, मैं उनको हर तरीके से मदद करने की मतलब कोशिश करती हूँ। तो उसके बावजूद इन्होंने हमसे उस दिन कहा कि हम राशन सबको नहीं दे सकते हैं, तो मैंने इनसे यही कहा कि जब राशन नहीं दे सकते हो, हमारे देश के और प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ की जनता भूखी मर रही है। इन्होंने कहा जितना मेरे पास है उतना ही कर सकता हूँ, ज़्यादा नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं शासन द्वारा।